आज संडे है तो इट मींस राइड का डे है, तो बहुत सारी बाइक दिख रही है मेरे पीछे से। सी डिड यू हियर, मेरे पीछे बाइक आ रही है। क्या बाइक है यार, मजा आ गई। जीटी इंटरसेप्टर 650 मेरी फेवरेट बाइक है, इंटरसेप्टर 650। हेलो एंड वेलकम टू येट अनदर वीडियो ऑफ योर ट्रैवल स्टोरी। आज की स्टोरी हमें एक ऐसी जगह लेके जाएगी जहां आई एम प्रीटी श्योर कि अ लॉट ऑफ मुंबईकर्स हैव ऑलरेडी विजिटेड, एंड अगर नहीं भी विजिट किया है आपने तो इस एपिसोड से अब ज़रूर उस जगह के बारे में जान लोगे। मैं जहाँ पे जा रहा हूँ उसके बारे में आपको आगे पता चलेगा, तो कीप वॉचिंग दिस वीडियो। वेल फिलहाल आई एम ऑल रेडी टू लीव। इट इज़ अराउंड 6:15 इन द मॉर्निंग। सो पहले स्टॉप होगा मेरा रिफ्यूलिंग का, सो आई विल स्टॉप फॉर फ्यूल एंड जहाँ जा रहा हूँ उसके बारे में और बात करेंगे हाईवे। सो रिफ्यूलिंग इज डन एंड आई डोंट नो आप देख पा रहे हो कि नहीं, बट मुझे 1:30 दिखा रहा है अभी मेरे डेस्टिनेशन का, एंड जहाँ मैं जा रहा हूँ वो जगह 7 ओपन होती है, तो कोई घाई भी नहीं है। इट इज़ लाइक 6:40 इन द मॉर्निंग नाउ, एंड आज संडे है, मतलब वी आर इन दिसंबर, तो मस्त ठंडी ब्रीज आ रही है, तो राइड का भी मज़ा आ रहा है। एंड मैम एक और चीज़ है जिसके बारे में आई एम एक्साइटेड टुडे इज दिस माई राइडिंग जैकेट। सो आप लोग ने अगर वो वीडियो देखा होगा, मैंने बॉट दिस जैकेट, सो आई हैव दिस राइनॉक्स एयर GT4। मैंने जब से ये जैकेट ली है तब से मुझे इसे पहनने का मौका ही नहीं मिला है, एंड फाइनली आज एक भले ही शॉर्ट राइड के लिए बट मौका तो मिला कि मैं जैकेट पहनूँ एंड इसे निकालूँ एंड आई ब्रेक इन टू दिस जैकेट। मज़ा आ रहा है। मैं इस जगह के बारे में आपको बताऊँगा अभी थोड़ी देर में, जहाँ पे भी मैं जा रहा हूँ। इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, एकदम नेचर के बीचों बीच है, और एग्जैक्टली कौन सी जगह है वो तो मैं आपको वहाँ जाके बताऊँगा, तो वो आपको वीडियो आगे तक देखना पड़ेगा। ये 90% ऑफ माई व्यूअर्स हैव नॉट येट सब्सक्राइब, तो ऐसा मत करो यार, आपके सब्सक्रिप्शन से हमें एक पॉजिटिव यू नो एटीट्यूड मिलता है और वीडियोस बनाने का। एंड आज संडे है तो इट मींस राइड का डे है, तो बहुत सारी बाइक दिख रही है मेरे पीछे से। सी डिड यू हियर, आज संडे है, राइड का डे है, तो बहुत सारे बाइकर्स निकलते हैं। बट दीज लाइक पीपल लाइक दीज आर स्टूपिड, बिकॉज वो लोग रेस कर रहे हैं एक्चुअली। इट वाज आई थिंक एक कावासाकी की थी, आई डोंट नो विच मॉडल, एंड एक KTM 393। तो दोज इडियट्स वेर रेसिंग ऑन दिस हाईवे जस्ट बिकॉज अर्ली मॉर्निंग है, रास्ते पे इतना ट्रैफिक नहीं है, तो दैट डजंट मीन के यू विल रेस ऑन दी हाईवे। हाँ, हाईवे क्रूजिंग के लिए होता है भाई, रेसिंग के लिए नहीं। अगर आपको रेसिंग करनी है तो रेस ट्रैक पे जाइए प्लीज़, बिकॉज हाईवे पे आप रेस करके यू आर प्लेइंग विथ योर सेफ्टी एंड आपके आसपास जो राइड कर रहे हैं या ड्राइव कर रहे हैं उनकी सेफ्टी के साथ। अभी सुबह 7:45 हैं एंड चेक नाका पे पहुंच गए हैं। चेक नाका तो ऑलवेज एंड ऑलवेज पैक रहता है भाई, ट्रक्स, अभी संडे है तो सारे ट्रक्स जा रहे हैं सिटी के बाहर, तो एकदम फुल पैक। देन आई थिंक गलत लेन में घुस गया यार। तो जो जगह अभी अपन जा रहे हैं वो जगह जाने के दो रास्ते हैं, एक रास्ता वाया थाना होकर जाता है और एक रास्ता जाता है वाया अहमदाबाद हाईवे। अगर आप वेस्टर्न लाइन में रहते हो तो यू कैन पिक दिस हाईवे, अहमदाबाद वाला हाईवे, एंड आई माई पर्सनल फेवरेट इज दिस हाईवे, बिकॉज मुझे ये साइड जाना ज़्यादा पसंद है कंपेयर टू लोनावला पुणे नासिक साइड, बिकॉज आई डोंट नो वहाँ के नासिक वाला हाईवे इज़ वेरी गुड, बट जो नासिक
के पहले तक का जो रोड है ना, आई डोंट लाइक दैट रोड एक्चुअली, बहुत ही बेकार रोड है। अगर आप लोग ने मेरी वो नासिक वाली राइड देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो ऊपर कहीं लिंक आ रही है, इट्स अ वेरी गुड प्लेस जहाँ पे मैं गया था, यू मस्ट वॉच। बट वही है कि वो जो रास्ता जाता है ना अनटिल वी हिट द नासिक हाईवे, थाने के बाद से लेके नासिक हाईवे तक, दैट इज लाइक अभी दैट बाइकर ग्रीटेड मी, सो ऐसे अच्छा लगता है यू नो, लाइक आई डोंट नो दैट गाय, हु दैट गाय इज, बट ही सॉ मी आई एम ऑन अ राइड एंड ही इज ऑन अ राइड, तो ही जस्ट ग्रीटेड मी। लाइक वी बाइकर्स जनरली डू लाइक दिस थिंग्स लाइक दिस यू नो, अच्छा फील होता है एक, हाँ ऐसा होता है कि यस वी आर नॉट अलोन। हालांकि आज मैं सोलो राइड कर रहा हूँ, आज कोई है नहीं मेरे साथ, पर ऐसा लगता है कि हाँ वी आर नॉट अलोन, इफ सम मिसहैप हैपेंस आई हैव गॉट माई बैक। तो मैं बता रहा था कि आई प्रिफर गोइंग ऑन दिस साइड एंड नॉट द नासिक वाला रूट, बिकॉज उसके रास्ते अच्छे नहीं है, एंड ये अहमदाबाद वाला हाईवे, आई लव दिस हाईवे। मुंबई जयपुर किया है मैंने, तो आई एम प्रिटी श्योर कि रोड की कंडीशन बहुत अच्छी है। तो ये अभी जगह जहाँ पे अपन जा रहे हैं, इट्स अ रिट्रीट सेंटर, लाइक नेचर के एकदम बीच में है, सराउंडेड विथ माउंटेन्स, वाड़ा के करीब है, वाड़ा के करीब क्या, वाड़ा में ही आता है ये। तो अगर इफ़ यू नो मैं किस जगह की बात कर रहा हूँ, देन डू कमेंट, अगर आपको नहीं पता है देन कीप वॉचिंग, अपन पहुँचेंगे वहाँ पे एंड आपको पता चल जाएगा। मैं नहीं गया हूँ इस जगह पे, बस ऑनलाइन जब मैं सर्च कर रहा था तब मुझे काफ़ी चीज़ें पता चली इस जगह के बारे में, एंड काफ़ी एक्साइटेड हूँ मैं यहाँ जाने के लिए। सो आई हैड टू स्टॉप बिकॉज बहुत ठंडी लग रही है, एंड एज यू कैन सी मेरे ग्लव्स जो हैं दीज आर नॉट फुल्ली लेदर, तो ये जो मैश है यहाँ से हवा अंदर जा रही है एंड माई फिंगर्स आर गेटिंग नंब, एंड हम विरार, लाइक इफ आई हैव टू टेल अबाउट माई लोकेशन, अभी विरार के आगे आगे हैं अपन, एंड इट इज़ स्टिल 40 किलोमीटर्स टू गो, आई आगे डेढ़ या 2 किलोमीटर बाद आई हैव टू टेक द एग्जिट फ्रॉम द नेशनल हाईवे। इट इज़ अराउंड 7:30 इन द मॉर्निंग एंड सूरज देवता भी प्रकट हो चुके हैं एज यू कैन सी। तो रिज्यूम करते हैं राइड को, चलिए भाई। एंड आज आई एम लाइक राइडिंग स्लोअर देन माई नॉर्मल राइडिंग स्पीड, बिकॉज यूजली राइड पे जब मैं जाता हूँ तो व्हाट आई डू इज आई ब्रिंग लाइक आई यूज सम कॉटन एज ईयर प्लग्स, बिकॉज जब हाई स्पीड्स पे होते हैं हाईवे पे तो विंड बफेटिंग के वजह से बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है कान में, लाइक विच इज़ ऑल्सो नॉट गुड फॉर ईयर्स, तो आई जनरली ब्रिंग दैट विथ मी। बट आज आई डोंट नो फॉर सम रीज़न मैं भूल गया वो लाना, एंड उसी के वजह से लाइक बिकॉज ऑफ दैट विंड नॉइज आई एम राइडिंग स्लोअर देन माई यूजल राइडिंग स्पीड, लाइक आई एम नॉट गोइंग ओवर 70 किलोमीटर्स पर आवर, बिकॉज वो दैट विंड बफेटिंग इज इरीटेटिंग मी। यार सूरज देवता क्या मस्त लग रहा है ना, देखो एकदम प्यार। काश एक बढ़िया कैमरा होता मेरे पास तो एक फ़ोटो ज़रूर लेता मैं। मैंने आपको जैसे बताया कि मुझे ये मुंबई अहमदाबाद हाईवे पे आने में बहुत मज़ा आता है, वो इसलिए कि एक तो रोड कंडीशन आप देखो, सेकंड आसपास का वादियाँ देखो यार, इतना मज़ा, इतना सीरीन है ना यार, दिल खुश हो जाता है। भले ही हाईवे है बट दिल खुश हो जाता है, ऐसे लगता है कि बस पूरे दिन राइड करते जाओ करते जाओ करते जाओ। एंड ये जो स्ट्रेच है आई थिंक सूरत तक, उसमें ऐसे ही सीनरी है आसपास, सूरत नहीं सॉरी गुजरात बॉर्डर तक, तो उसमें ऐसी ही सीनरी आसपास है, एंड बारिश के टाइम पे तो ये आहा अल्टीमेट हो जाता है। अगर आपने मेरी वो ब्रेकफास्ट राइड देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो उसकी भी लिंक यहाँ पे ऊपर आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगी, तो ज़रूर देखिए। उसमें लाइक वी वेंट टू वांद्री लेक, वो विरार के थोड़ा आगे आता है, एंड इट वॉज़ द फर्स्ट मानसून राइड
ऑफ 2023। तो ये मेरे पीछे बाइक आ रही है, क्या बाइक है यार, मजा आ गई। GT इंटरसेप्टर 650, मेरी फेवरेट बाइक है इंटरसेप्टर 650। हाँ, तो मैं बता रहा था कि उस वाले वीडियो में जो फर्स्ट मॉनसून राइड थी, उसमें आपको पूरा दिखेगा कि जो ब्यूटी होती है इस रोड की बारिश में, वो अलग ही लेवल की होती है। ये जो भी आपको आसपास अभी थोड़ा ग्रीनिश जो ग्रीनरी दिख रही है, थोड़ी डल है, वो निखर जाती है बारिश में। ये है, बस ये दिखाना था मुझे आपको, और ये बताना था कि जो मुझे इतना पसंद है मुंबई अहमदाबाद हाईवे, वो क्यों पसंद है, वो इसी रीज़न से पसंद है मुझे। जब भी अपन कोई भी जगह पे ट्रैवल करते हैं या कहीं पे जाते हैं, वी सिलेक्ट सम डेस्टिनेशन, तो वो डेस्टिनेशन इज़ नॉट आवर एक्चुअल डेस्टिनेशन। मेरा ये मानना है जो अपना सफ़र होता है वही असली मंजिल है। सबसे ज़्यादा मज़ा सफ़र का वहीं पे आता है, बिकॉज अपन जो जो जगह जा रहे होते हैं वहाँ पे तो अपना सफ़र ख़त्म हो जाता है, वहाँ पहुँच के तो सफ़र एंड हो जाता है, ट्रिप एंड हो जाती है। बट जो जर्नी होती है अपनी, दैट इज़ द एक्चुअल एक्सपीरियंस यू गेट व्हेन यू ट्रैवल। भले ही वो फिर आप कैसे भी करो, बाय ट्रेन करो, बाय बाइक करो, बाय रोड करो, कैसे भी करो, बाय कार करो, बस में बैठ के घूमो पूरे इंडिया में, कैसे भी, असली मज़ा सफ़र का उसकी लाइक जर्नी में है एंड नॉट द एक्चुअल डेस्टिनेशन। सो मार्क माय वर्ड्स, कोट लिख लो कि सफ़र ही मंजिल है भाई। आई बिलीव इन दिस। लॉट ऑफ ट्रैवलर्स आउट देयर जो ट्रैवल करते हैं, हु आर द रेगुलर ट्रैवलर्स, वो भी अग्री करेंगे इस बात से कि सफ़र ही असली मंजिल है। तो 4.5 किलोमीटर और है, एंड वी आर गोइंग थ्रू दिस ब्यूटीफुल विलेज। हालांकि हाईवे छोड़ने के बाद रास्ता इतना अच्छा नहीं है, एंड ऑब्वियसली इतना अंदर है तो डोंट एक्सपेक्ट रास्ता अच्छा होना भी। बट गांव यार बहुत मस्त है, ये गांव मज़ा आ रही है ऐसे चलने में। छोटी छोटी क्यारियाँ हैं यहाँ पे, छोटे छोटे खेत हैं लोगों के, सी एकदम लाइक ऑब्वियसली ये सिटी के बाहर है, सिटी में नहीं आता है, बट इतना भी बाहर नहीं है, लेकिन जो वाइब्स आ रही है ना यहाँ पे, दैट इज़ अनदर लेवल। जो गांव होता है ना लिटरल सेंस में, जो गांव वाली वाइब्स पुराने ज़माने में, वैसी वाइब्स है यहाँ पे डिट्टो, एंड ऐसी वाइब्स हर जगह नहीं मिलती है। आजकल तो गांव भी मॉडर्नाइज हो गए हैं सारे, बट दिस इज समथिंग एल्स। ये वाला जो गांव है, इसीलिए हमें कभी कभार निकलना चाहिए घर के बाहर, वी नेवर नो वॉट इज़ देयर फॉर अस अंटिल वी यू नो स्टेप आउट ऑफ द हाउस। हिमालयन के लिए एकदम सही रास्ता ही है, हिमालयन को फ़र्क नहीं पड़ता कोई भी रास्ता हो, एंड सी इज लाइक ब्रिंग इट ऑन, आई कैन टैकल एवरी फ्रिकिंग थिंग, एंड लिटरली दिस बाइक कैन डू एनी थिंग, लाइक एनी थिंग, कैन गो एनी वेयर, इट कैन क्रूज एट हाई स्पीड ऑन हाईवे। ऑब्वियसली मैंने पहले भी बोला है कि हाईवेज आर नॉट फॉर स्पीडिंग और रेसिंग, इट इज़ फॉर क्रूजिंग, सो इट कैन क्रूज एट अ नॉर्मल क्रूजिंग स्पीड ऑफ 80, 90 और 100 किलोमीटर्स पर आवर, अगेन क्रूजिंग नॉट रेसिंग। इट इज स्टिल शोइंग लाइक 180 मीटर्स है, तो ठीक है, डजेंट मैटर दैट मच। माई गॉड, बहुत बाइक्स है यहाँ पे, एंड देर आर वॉलंटियर्स एज वेल। सर एक बार आइए ना, अंदर जाके वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं ना, कोई इशू नहीं है ना।
चाहिए। हाँ प्लीज। थैंक यू। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, वी हैव रीच्ड आवर डेस्टिनेशन एंड इट इज़